हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIP 18 का जो न्यू अपडेट आई थी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी लग गई होगी, जिसको नहीं पता तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये जानना है, जो फ्रेशर्स हैं, कि हमारा जो COP की नोटिफिकेशन आई है वो हमें किस तरीके से मिलेगा, क्या उसका प्रोसीजर है और किस तरीके से जो है हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर allindiabaregzamination.com करके लिखा होगा, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाई दिया होगा और उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि आप लोग जो है अपने COP को डाउनलोड कर दीजिए घर बैठे, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ ज़रूर लिखी है कि आप लोग अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल जा कर के अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो बट यहाँ पर जो है जो कर्नाटका स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को लेकर जो है पैनिक मत होइएगा। आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा जो COP है वो कब तक आएगा, क्या उसकी डेट है, क्या नोटिफिकेशन आ गया। सो गाइस, स्टिल कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों के COP से रिलेटेड नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत आप लोगों को बता दिया जाएगा और आप लोग जो है अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो आप लोग बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। जब भी आप लोगों को टाइम लगे कि नोटिफिकेशन आया नहीं आया, और वैसे तो जैसे ही आएगा आप लोगों को पता लग जाएगा, बट हाँ, COP जो जिन कैंडिडेट्स का आ गया है या जिनका क्रैक हुआ था AIP 18 एग्ज़ाम, सो प्लीज़ आप लोग अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल जाइए और वहाँ से जो है अपना COP कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ जो है फिर बाद में आप लोगों को ये होगा कि हमने जो है अपना COP कलेक्ट नहीं किया, क्या हम उसके बगैर जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना रिज़ल्ट दिखा करके। सो गाइस, अब आप लोगों का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ गया है COP से रिलेटेड कि अपना जो COP उसको कलेक्ट कर लीजिए। सो आप लोग अपना प्लीज़ COP को कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि हमें जो है समझ नहीं आ रहा हम किस तरीके से उसको कलेक्ट करें, सो एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, उस पर भी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। हालांकि जब आप लोग अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल जाओगे तो वहाँ पर जो है ईजिली आप लोगों को सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा, वो आप लोगों को आपका COP प्रोवाइड कर देंगे। इसमें आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा पेशेंस जो है जो कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको बनाने की ज़रूरत है। आप लोग पैनिक बिल्कुल भी मत होइएगा, आप लोगों का भी COP आएगा। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स का रिलीज़ कर दिया तो आप लोगों का रिलीज़ नहीं करेंगे, आप लोगों का भी करेंगे, क्या पता कुछ इशू हो सो वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा, आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो AIP 19 का है, अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सो गाइज अभी जो है स्टिल इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं किया गया है BCI द्वारा कि AIP 19 एग्ज़ाम कब होगा, क्या उसकी डेट है। सो इसकी भी डेट जब भी आएगी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, आप लोगों को पता लग जाएगा। स्टिल अगर आप लोगों को भी कोई भी डाउट है तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर लोन टिप्स के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी आप लोग अपने इश्यूज़ और क्वेरीज़ को शेयर